So welcome all of you for today's Sunday evening talk. So we got very renowned speakers from Mount Abu, Rajasthan, the headquarters, for today's talk from Sparkwin. So we are very lucky to have them today here. So coming to the topic of today's talk, Manual of Life. So whenever we buy a complicated or normal electronic device or mobile phone, right, we get a user manual book to get to know the features and how to use the mobile, which makes our use simple, right? How to use the features. So do we all need Manual of Life? Do we need it? If we could have it, our problems could have become simple. Whenever the problem is, we could refer the manual and get the solutions, right? So today we will getting the Manual of Life. So let's invite our first speaker, Sanjay Bhaiji, on stage. While Sanjay Bhaiji is here, I will give you a brief introduction for this person. So he has dedicated his life to the godly service and service of humanity since 1993. He is there in headquarters, Mount Abu, Rajasthan, and he is the coordinator of Sparkwin in for the headquarters. And he is the principal editor of Sparkwin reports and literature. And he also has some special interest of experimenting Raja Yoga meditation on the life problems. So, welcome, Bhaiji, once again. Om Shanti. मुझे बताया गया कि ये जो आप लोगों का संडे इवनिंग टॉक है, ये काफ़ी समय से चल रहा है और बहन भी हाथ उठवा रही थी, तो कुछ लोग पहली बार भी आए हैं. आप सब यहाँ बार बार आते हैं, ज्ञान की बातें सुनते रहते हैं, तो काफ़ी कुछ ज्ञान तो आप सबको हो ही गया होगा. परंतु ज्ञान की विशेषता ऐसी है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे जीवन भर सीखा जा सकता है, जीवन भर पढ़ा जा सकता है, जिसके ऊपर जीवन भर मंथन किया जा सकता है. ये एक एंडलेस प्रोसेस है और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिस दिन ये प्रोसेस बंद हो जाए ज़िंदगी में, उसी दिन से हमारे जीवन में परेशानियों की शुरुआत हो जाती है. स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, परंतु आज के इस समय में, जबकि विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, इस विज्ञान के चमक दमक में कई बार हमको ऐसा लगने लगता है, ऐसा कह सकते हैं कि अब हमको ऐसा लगता है, लगभग सबकी ऐसी समझ हो गई है, इसकी जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है. है ना, बहन ने अभी अभी बताया कि जब भी हम घर में कोई नई मशीन लाते हैं, कोई गैजेट लाते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल भी आता है. दुनिया के सारे मशीनों को ऑपरेट करने का ज्ञान तो हमारे पास नहीं हो सकता है ना. कुछ चीज़ों को हम ऑपरेट कर पाते हैं, कुछ को नहीं कर पाते हैं, तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, उसके साथ एक छोटा सा मैनुअल दे देते हैं, ताकि उस साधन को यूज़ करना हमारे लिए सहज हो जाए. अगर वो सहज नहीं होगा, मैनुअल नहीं होता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं उसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, किस बटन से क्या होगा, इसका मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं. मोबाइल है ना, बहुत सारे फीचर्स का बहुतों को ज्ञान ही नहीं होता है, उससे बहुत कुछ हो सकता है. कंप्यूटर है, बहुत कुछ हो सकता है, हमारे पास उसकी लिमिटेड नॉलेज होती है. परंतु मैनुअल हमें उसका विस्तार पूर्वक ज्ञान देता है. उस मैनुअल को यदि उस मशीन से अलग कर दिया जाए,
क्या होगा, क्या होगा, हमें समझ में नहीं आएगा कौन सा बटन दबाना है कौन सा नहीं दबाना है। हम गलत गलत बटन्स दबाएंगे, रिजल्ट क्या होगा, वो मशीन खराब हो जाएगी। इतनी महंगी मशीन थोड़ी सी अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ नॉलेज, हम उसको खराब कर देते हैं। ये जीवन, ये भी एक लिविंग मशीन है ना, अगर इसका भी ठीक से हम संचालन नहीं कर पाते हैं, हम अपने जीवन को भी खराब कर लेते हैं। जीवन जब खराब होता है तो इसमें तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है, जीवन जीना भारी लगने लगता है। आज हम सबका जीवन भारी लगने लगा है ना, विज्ञान ने इंसान के मनोरंजन के लिए, इंसान के सुख सुविधा के लिए कितने साधन बनाए हैं, परंतु आज वो साधन हमको सुख नहीं दे रहे हैं। आप लोग सहमत हैं हमसे? वो साधन हमको सुख नहीं दे रहे हैं। हमारे पास बिस्तर है, नींद नहीं आ रही है। हमारे पास धन है, उससे हमने महंगी मेडिसिन खरीद ली पर उससे बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हमारे पास एक परिवार तो है परंतु उस परिवार में शांति नहीं है। क्लैश ऑफ ओपिनियन, हम एक दूसरे का रिगार्ड नहीं रखते हैं। हमारे पास समाज तो है परंतु जिस समाज में हम रहते हैं उससे ही भयभीत रहते हैं। बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं डर लगा रहता है, सेफली वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जब तक वो नहीं आते हैं, माता पिता की स्थिति कैसी रहती है? जीवन तो हम जी रहे हैं परंतु बिना मैनुअल के हम जीवन जी रहे हैं। और मैनुअल क्या है? अंडरस्टूड है ना, हम सब जानते हैं। मैनुअल, इस लाइफ का मैनुअल क्या है, आप बताएं क्या है मैनुअल? आप सिर्फ सुनिए नहीं, कुछ बोलिए भी ना। ये एक इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, वरना मैं सुना के चला जाऊंगा, पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने कितना सुना, कितना समझा, कुछ फ़ायदा मिला भी नहीं मिला। माउंट आबू से आए हैं इतनी दूर से आपके लिए, चाहेंगे ना कुछ आपको देख के जाएं, आपके जीवन में थोड़ी शांति मिले, सुख मिले, आपका जीवन थोड़ा सहज हो जाए। तो जीवन का मैनुअल क्या है, क्या है? चित्त। और क्या है? नॉलेज। ये भी सही है। और उसको थोड़ा सा प्रिसाइज करें, क्या है मैनुअल ऑफ लाइफ? अगर एक वर्ड में हम कहना चाहें तो ये जो अध्यात्म हम कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन को सहज करता है, जीवन को जीना सिखलाता है। जीवन तो हर कोई जी रहा है परंतु जीने की कला नहीं मालूम है। और जिस कार्य को कला के साथ ना किया जाए वो कार्य कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, सुखदाई नहीं होता है। जब भी हम लोग इधर उधर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बड़ा आम सा प्रश्न कई लोग पूछते हैं, इसकी क्या जरूरत है, क्या हम इसके बिना जीवन नहीं जी सकते? स्पिरिचुअलिटी की क्या जरूरत है? हमारे पास सब कुछ तो है, धन है, साधन है, भगवान ने अच्छा शरीर दे रखा है, परिवार है, समाज है, फिर इसकी क्या जरूरत है? है इसकी जरूरत? अध्यात्म की जरूरत है? क्या हम इसके बिना जीवन नहीं जी सकते?
क्या कहेंगे आप लोग, अध्यात्म के बिना, स्पिरिचुअलिटी के बिना हम जीवन जी सकते हैं? जी सकते हैं ना। इनफैक्ट हम सब जी भी रहे हैं। हम में से कितने लोग स्पिरिचुअल हैं, कितने लोग धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, कितने लोग रोज परमात्मा को याद करते हैं, कितने लोग अपने बोल और आचरण से दूसरों को रोज सुख देते हैं। हम में से कितने हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं? बता रहे ये सेशन में वही करेंगे। तो आज हम धर्म कर्म के बिना जीवन जी रहे हैं, परंतु जो जीवन हम जी रहे हैं उससे हम कितना संतुष्ट हैं, उस जीवन से हम कितना खुश हैं। हम लोग अपने ही जीवन से खुश नहीं हैं। मैं कहूँगा हाथ खड़ा करने के लिए तो आपको संकोच होगा, शर्म आएगी, अरे इतने लोगों के बीच में मैं कैसे खड़ा करूँ। पर जीवन का सत्य तो ये है कि आज का इंसान मोर देन 90% अपने जीवन से खुश नहीं है। पहले लोग जीने की दुआ भगवान से मांगते थे, आज क्या मांगते हैं? मरने की दुआ मांगते हैं, बस करो भगवान, नहीं रहा जाता इस संसार में, अब अपने साथ ले चलो। जी तो हम सकते हैं अध्यात्म के बिना जीवन, पर उसकी क्वालिटी बहुत बुरी हो जाती है, बदतर हो जाती है। जीवन से केवल अध्यात्म को निकाल दिया जाए तो जीवन समस्याओं से भर जाता है। आज से 50 साल पहले का जीवन, आप में से कितनों की आयु 50 से ऊपर है? आपने अपने बचपन में जो जीवन देखा है, क्या तब जीवन में इतनी समस्याएं थी? 50 साल पहले आपने तनाव का नाम सुना था, डिप्रेशन का नाम सुना था, नहीं ना? 4 साल की बच्ची के साथ गलत हो जाता है, सुना था कभी? समाज में ये सब बीमारियां थी नहीं। अपने ही बच्चे, अपने ही माता पिता को जीवन के अंतिम दिनों में वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। जिन माता पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधे पर उठाकर घुमाया, खुद जगे उनको सुलाया, खुद भूखे रहे उनका पेट भरा, खुद नहीं पढ़ पाए उनको पढ़ाया, अच्छा बनाया, अब वो जब बूढ़े हो गए हम क्या कहते हैं? जाकर वृद्धाश्रम में रहो। आज से 50 साल आपके आसपास कोई वृद्धाश्रम था? जिनकी उम्र 50 से ऊपर है बताएं, था वृद्धाश्रम? आज हर छोटे शहर में भी वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। जीवन समस्याओं से भरता जाता है, और जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो तनाव क्रिएट करती हैं, और तनाव का असर हमारे मन पर और तन पर पड़ता है। मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। पहले इतनी बीमारियां भी तो नहीं थी ना, और मानसिक बीमारियां तो होती ही नहीं थी। पहले अपने बच्चों को जगाना होता था, कितना मुश्किल होता था, मार मार के जगाते थे मात पर, अरे उठ भी जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया, नहीं जगता था, पानी डाल देते थे। अब बच्चों को नींद नहीं आती है, हम बड़ों की बात नहीं कर रहे, आज का यूथ सो नहीं पा रहा है। बड़े तो बड़े, आज छोटे बच्चों को भी तनाव हो रहा है, बच्चों में तनाव देखा जा रहा है। तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारी आज के युवाओं में ज़्यादा अधिक हो रही है, जिनके जीवन की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। केवल इस अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को जीवन से यदि हम गायब कर देते हैं, निकाल देते हैं, ये जीवन जीने योग्य नहीं रह जाता है। पिछले 50 सालों में यही तो हुआ है। जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की है,
इंसान उन सुख सुविधा के साधनों में ऐसे उलझता गया है कि धर्म कर्म की भी आवश्यकता होती है, पाप पुण्य भी कुछ होता है, भगवान को याद करने की भी ज़रूरत होती है, ये बोलता जा रहा है। इसलिए पिछले 50 सालों में ये संसार बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है, दुख शांति बढ़ी है, और जीवन में जब समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, तनाव बहुत बढ़ जाता है, दुख शांति बहुत बढ़ जाती है, रोग बढ़ जाते हैं, तो ये जो विज्ञान ने इतने साधन दिए हैं ना, उनका भी सुख नहीं मिलता है, है ना? ये सही बात। ये विज्ञान के साधन भी हमें सुख तब देते हैं जब मन में शांति हो, मन हमारा खुश हो, मन प्रसन्न हो। आज ये विज्ञान के साधन हमको सुख नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारा मन दुखी है, समस्याओं में उलझा हुआ है, तनाव में उलझा हुआ है, तरह तरह की परेशानियां हैं। घर में आता है, घर में परेशानी, वर्क प्लेस पे जाता है, वहाँ तनाव, समाज में देखता है, वहाँ पर परेशानी, हर जगह परेशानी अलग अलग, अपने शरीर को देखता है, वहाँ कई रोग हुए पड़े हैं, वहाँ परेशानी। इंसान परेशानियों से घिर गया है, और जब इंसान परेशानियों से घिर जाता है तो ये साधन उसे सुख नहीं दे पाते। कुछ समय पहले लोग कहते थे जिनके पास धन है उनके लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, अब जाकर पूछिए उनसे। जिनके पास बहुत धन है जरा जा करके उनसे पूछिए, तुम्हारे पास स्वर्ग है क्या? सुनना उनका जवाब। हम लोग तो बहुत मिलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े धनवान लोग आते हैं, जब भी हम लोग जाते हैं प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स के बाद बहुत लोग पर्सनली मिलने आते हैं। पैसा इतना है कि पैसे की कोई टेंशन नहीं है, परंतु वो पैसा उन्हें सुख नहीं दे रहा है। मैं एक बार बनारस में गया था, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर्स और बाकी सभी स्टाफ मिलाकर करीब 550 लोग काम करते हैं। उससे 3 गुना बड़ा एक और हॉस्पिटल बन रहा था, बन के तैयार हो गया था, उसका उद्घाटन करने के लिए खुद मोदी जी आने वाले थे। इतना बड़ा व्यक्ति, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारीज का एक मेडिटेशन रूम भी बनाया हुआ है। वहाँ की जो बहन जी हैं सेंटर की, ब्रह्मा कुमारी सेंटर की इंचार्ज, वो हमको दिखाने लेकर के गई। वापस जब हम लोग केंद्र पर आए तो बहन जी ने उनकी स्टोरी सुनाई, बोला इतना बड़ा व्यक्ति, धन बहुत है उसके पास, लेकिन कभी कभी जब वो बहुत दुखी होते हैं ना, करीब 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर ही सेंटर है, आधा किलोमीटर, पैदल चलकर, किसी को नहीं बताते, पैदल चल करके आते हैं और सेंटर में बाबा के कमरे में बैठ करके रोते हैं, लिटरली ही क्राइज। क्यों रोते हैं? 2 बच्चे हैं, दोनों मेंटली चैलेंज्ड हैं, धन बहुत है, उनका धन उनको सुख नहीं दे रहा है, इतना धन, इतने डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर को बुलाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल, पर वो उनके बच्चों को ठीक नहीं कर पा रहा है। ये धन भी कब अच्छा लगता है? जब मन खुश हो। मन खुश नहीं है ना, जब भी अपने बच्चों को देखता है ये मन दुखी हो जाता है, फिर उसको अच्छा खाने को दो अच्छा नहीं लगता, एसी कमरे में सुला दो नींद नहीं आती है। आज ये साधन हमको सुख नहीं दे रहे हैं, और इंसान को क्या चाहिए? केवल सुख चाहिए। इंसान अर्थात मन, आप लोग बहुत समय से यहाँ आ रहे होंगे तो ब्रह्मा कुमारी इसकी टीचिंग्स से इतना तो आपको पता पड़ गया होगा, हमारे लिए एक टर्म यूज होता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी दो के कॉम्बिनेशन से लाइफ बनता है।
ह्यूमन कौन है? ये हमारा शरीर, उसके अंदर एक बीइंग रहता है जिसको अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहते हैं, आप मन कह सकते हैं, जो इस शरीर को चलाता है, जिसके निकल जाने के बाद हम मृत्यु कहते हैं। ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है, न सोच पाता है, न बोल पाता है, न देख पाता है। वास्तव में जो ड्राइविंग फोर्स है वो मन है। ये तन को कुछ भी अनुभव नहीं होता है, एक बार आत्मा शरीर से निकल जाए, इसको गाली दो पता नहीं पड़ेगा, इसकी महिमा करो इसको पता नहीं पड़ेगा, इसको सुई चुभो पता नहीं पड़ेगा। सब कुछ एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? इसके अंदर या मस्तक के बीच जो आत्मा बैठी है वो अनुभव करती है। हम माने या ना माने, यही सत्य है। मानने या ना मानने से सत्य बदलता नहीं है, यही सत्य है। और मन को केवल खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। मन को धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, पर उस धन से जो सुख मिलता है, मन उस सुख के पीछे भाग रहा है। मन को अच्छा भोजन नहीं चाहिए, परंतु उस अच्छे भोजन से जो उसे स्वाद मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, टेस्ट मिल रहा है, उस टेस्ट के पीछे मन भागता है। मन को और दुनिया का कोई भी साधन नहीं चाहिए, केवल हैप्पीनेस चाहिए। वो हैप्पीनेस आज मन को मिल नहीं रहा है, और उस सुख शांति की खोज में आज हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी किसी साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, कभी भजन कीर्तन करते हैं, कभी थोड़ा दान पुण्य करते हैं। कहीं से तो थोड़ी शांति मिल जाए, मिलती है, थोड़ी बहुत मिल जाती है, परंतु जीवन में कंप्लीट शांति नहीं आती है। केवल थोड़ा दान कर देने से, केवल थोड़ा समय भगवान को याद कर लेने से, इससे जीवन में शांति नहीं आती ना। हम भगवान को याद भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, जीवन में शांति नहीं आएगी। जब देखा कि इससे भी मन को शांति नहीं मिली, तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं भगवान को? भगवान को सुख से तो हमें से बहुत कम लोग याद करते हैं, आउट ऑफ लव बहुत कम लोग भगवान को याद करते हैं। हम भगवान को किस रूप में याद करते हैं? हे भगवान, अब ये दर्द सहा नहीं जाता, क्या करो? ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हिंदी गीत सुनते होंगे ना आप लोग, सुना है कभी ये गीत? सुना है? बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं प्रदीप जी, उनका एक बहुत सुंदर भजन है, आत्मा और परमात्मा के बीच का एक टॉक है ये। जब आत्मा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो भगवान से कहती है कि हे भगवान, अब रहा नहीं जाता, वो दूर के मुसाफिर, हमें भी अपने साथ ले चलो, इस संसार में अब रहने का मेरा कोई मन नहीं है। जीवन की समस्याओं ने हमको इतना दुखी कर दिया है कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं। क्यों दुखी किया है? आज हमारे जीवन की ऐसी हालत क्यों हो गई है? हमको जीवन जीना नहीं आता है, हमको जीवन जीना नहीं आता है। आर्ट ऑफ लिविंग हम भूल गए हैं, जीवन कैसे जीना है। जी तो हम रहे हैं, परंतु बिना विधि के हम जीवन जी रहे हैं। हमें संबंधों को निभाना नहीं आता है, हमें दूसरों को सुख देना नहीं आता, दूसरों का सम्मान करना नहीं आता,
हम दूसरों के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, हमें बड़ों की दुआओं को लेना, बड़ों से दुआएं लेना ये हमको नहीं आता, हमको धन कमाना नहीं आता है। सोचते होंगे ये कैसी बात है, हम तो सब धन कमाते हैं। नहीं कमाते हैं, विधि गलत है। हम दूसरों का अपमान करते हैं ना, ये जीवन जीने की विधि नहीं है। परिवार तो है हमारे पास, परिवारों में इतनी अशांति क्यों है, परिवार टूट क्यों रहा है, हम एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं ना। पति पत्नी में लड़ाई होता है, पति पत्नी को क्या बोलता है, क्या बोलता है, तेरे घर वालों ने तुझे कुछ भी सिखाया नहीं क्या, होता है ना। आप लोग भी झगड़ते होंगे ना, पहले भी तो लोग झगड़ते थे ना, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते थे, उसकी भावनाओं को दुखी नहीं करते थे। आज हम घड़ी घड़ी हर्ट करते हैं, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया क्या, बहुत बड़ी गलती कर दी, तेरे से शादी कर लिया, नहीं करता तो सुखी होता, ऐसे बोलेंगे तो कभी सुखी रहेंगे। कोई भी पत्नी घर में आएगी, अच्छा व्यवहार करेगी, संबंध टूट रहे हैं। हमको व्यवहार करना नहीं आता है, घर में छोटा बच्चा है, चौथी में पढ़ता है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बच्चा अपना कार्ड लेकर के सुबह से बहुत खुश है, सोचता है शाम को पापा आएंगे, मैं पापा को दिखाऊंगा, बहुत एक्साइटेड है, पापा मुझे कितनी शाबाशी देंगे ना, देख करके पापा खुश होंगे। पापा शाम को आते हैं, तनाव से भरे हुए हैं, बॉस से झगड़ा हुआ है, कर्मचारियों ने बहुत परेशान किया है, रास्ते में आते आते भी अपनी गाड़ी किसी गाड़ी को ठोक दी, वहाँ भी झगड़ा हो गया, स्ट्रेस से भरा हुआ है, आके बैठते हैं, बच्चा भागा भागा आता है और अपने पापा को वो कार्ड दिखाता है। हम क्या करते हैं, उस बच्चे को एक्साइट कर देते हैं, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, यही समय मिला था दिखाने के लिए, छोटा बच्चा 5-7 साल का, उसे क्या मालूम आपके दिमाग पर क्या बीत रही है। हम उसको एक तरफ धक्का मार देते हैं, वो बच्चा जो सुबह से इतना खुश है दुखी हो जाता है, उसकी पूरी खुशी, उसका पूरा उमंग नष्ट हो जाता है, वो बच्चा मायूस होके एक कोने में बैठ जाता है। हमने अपना स्ट्रेस अपने बच्चों को दे दिया, उसमें ट्रांसफर कर दिया, दिन भर यही तो करते हैं ना, अपना स्ट्रेस कभी बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, कभी पत्नी में ट्रांसफर करते हैं, कभी अपने बुजुर्ग माता पिता को दे देते हैं, कभी पड़ोसियों को दे देते हैं। हमको व्यवहार करना नहीं आता, संबंध निभाना नहीं आता, दूसरे की फीलिंग्स का कदर करना नहीं आता। परिवार तो टूटेगा, कैसे रहेगा ये परिवार। हमको धन कमाना नहीं आता, हमने दिमाग में एक ये गलत फहमी पाल ली है कि धन से सुख मिलता है, धन है तो सब कुछ है। एक दूसरी गलत फहमी है कि धन समय पर काम आता है, बटोरो जितना बटोर सकते हो, कुछ भी करना पड़े करो, धन कमाओ, धन को बटोरो। पर उसका एक दूसरा पहलू हम भूल जाते हैं, धन वही समय पर काम आता है, धन वही सुख देता है जो सही विधि से कमाया जाता हो। पाप का धन कभी भी सुख नहीं देता, किसी को दुख दे करके कमाया गया धन समय पर कभी काम नहीं आता। कोरोना में देखा होगा ना आपने, जिसके पास धन बहुत था सब छोड़ के यहीं चले गए, समय पर ना उनको दवा मिल पाई, ना डॉक्टर मिल पाया, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। और जिनके पास पुण्य का बल था, जीवन में दुआओं का बल था, वो आज भी जिंदा है, पैसा नहीं था उनके पास,
कई एग्जाम्पल हैं मेरे पास जो मैं सुना सकता हूं आपको। धन कमाना नहीं आता, हम धन के लिए पाप करते हैं। धन चाहिए, चाहे वो किसी भी विधि मिले, हम दूसरों की समाधि पर अपना महल बनाना चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उस महल में हम सुख और शांति से रहें। संभव है? दूसरों की समाधि पर बनाया गया महल, उस महल में सुख नहीं मिल सकता। एक रियल घटना, विदेशों में तो ये बहुत आम है, अब शायद भारत में भी होने लगा होगा, अभी तक सुना तो नहीं है पर विदेशों में ये बहुत कॉमन है। एक 20 साल की सुंदर नौजवान युवती एक 80 साल के बुजुर्ग से शादी कर लेती है। सुना है आपने ये? विदेशों में बहुत कॉमन है ये। एक 20 साल की सुंदर पढ़ी लिखी नव युवती एक 80 साल के बुजुर्ग से शादी कर लेती है। उसके दोस्त उसे पूछते हैं, तो इतनी सुंदर है, जवान है, पढ़ी लिखी है, तूने एक 80 साल के बुजुर्ग से शादी कर लिया, क्या देखा उसमें? बहुत स्मार्ट आंसर, बोला मैंने उसमें दो चीजें देखी, एक उसका इनकम, दूसरे उसके दिन कम। पैसा बहुत है उसके पास, दिन है नहीं उसके पास, आज नहीं तो कल वो टपक ही जाएगा। फिर उसका सारा धन किसके पास होगा? हम सामाजिक मर्यादाओं को भूल जाते हैं, कहां 80 साल कहां 20 साल। बेटी और बाप का भी अंतर नहीं है, पोती और दादा का अंतर है ना उम्र में। धन के लिए हम अपनी सामाजिक मर्यादाओं को भूल जाते हैं, ऐसा धन हमें सुख नहीं देगा। आपके पास कितना धन पड़ा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस धन को आपने कमाया किस मनोवृत्ति से है, किस विधि से है, ये महत्व रखता है। अभी रिसेंटली, एक साल भी नहीं हुआ, मैं कहीं गया हुआ था, एक बहन मेरे पास आई, आई थिंक उसकी उम्र अभी 30 ईयर्स भी नहीं होगी, कम ही होगी। वो और उसका भाई कुछ समय पहले एक्सीडेंट में उनके माता पिता ने शरीर छोड़ दिया। सामान्य सा परिवार था, कुछ प्रॉपर्टी थी उनके पास, बहुत तो नहीं थी, बहुत धनवान नहीं थे, पर था फिर भी कुछ उनके पास। उसके भाई ने अपनी बहन को कोर्ट में मृत साबित कर दिया, सी इज डेड, सी इज नो मोर, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। वो बहन इतना रोए, कि मेरा भाई, कई बार सुनाते सुनाते हम भी इमोशनल हो जाते, वो जब बहन को अगर आपने सामने से देखा होता तो आप भी इमोशनल हो जाते। उस बहन की दशा, जिस भाई के कलाई पर हर वर्ष मैं राखी बांधती हूँ उसकी सलामती के लिए ना, वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, सेफ रहे, उस भाई ने मुझे धन के लिए मरा हुआ साबित कर दिया। छोटा भाई है, बहन बड़ी है, कहती है मैं तो उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। जब घर में माँ नहीं होती थी तो मैं माँ बन करके उसकी देखभाल करती थी, उसको खाना बनाती थी, खिलाती थी, उसको सुलाती थी। वही भाई धन के लिए मुझे मरा हुआ साबित कर दिया। मैंने कहा आप कोर्ट में जाओ, आप बोलो मैं तो जिंदा हूँ। बोला किसके खिलाफ जाऊँ, मेरा ही तो भाई है ना, मैं उसको दुख नहीं दे सकती, उसको परेशानी में नहीं डाल सकती। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उसने धन के लिए मना, उसे धन चाहिए, वो तो बोलता एक बार मैं सब कुछ दे देती, माता पिता के बाद वही तो मेरा रखवाला है, बल छोटा है, वही तो देखेगा ना, धन की क्या औकात है। पर उसने धन के लिए मुझे मरा हुआ साबित कर दिया। मुझे ये चीज़ बहुत चुभ रही है बार बार। वो धन
उस भाई को सुख देगा? क्या लगता है आपको, वो धन उस भाई को सुख देगा? उस धन से वो बहुत सुंदर बिस्तर खरीद के ले आएगा, डनलप के गद्दे, एसी कमरा, साउंड प्रूफ कमरा, उसमें भी उसको नींद नहीं आएगी। वो दुनिया का सबसे हेल्दी फूड उससे खरीद के खाएगा, वो भी उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। कोई भी साधन उसको सुख नहीं देगा जो उस धन से वो खरीदेगा। कल को उसके बच्चे होंगे, उस धन का प्रयोग उन बच्चों पर करेगा। उसके बच्चे या तो मानसिक रोगी होंगे या कुसंग में चले जाएंगे। ये बहुत बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल साइंस है जो हम सबको समझना पड़ेगा। आप एक सीन क्रिएट करें ना, एक तरफ वो भाई और उसका धन उसके सामने, दूसरी तरफ वो दुखी बहन। सुख से रहने देगा उसके? जब जब वो बहन दुखी होगी उसकी बददुआएं उसको लगेंगी। इम्पॉर्टेंट धन नहीं है, इम्पॉर्टेंट विधि है। धन कम हो जीवन चल जाएगा, परंतु जीवन में दुआओं का बल नहीं है। पाप बहुत है, दुख बहुत दिया है दूसरों को, तो कितना भी धन हो ये जीवन चलेगा नहीं। बहुत अमीरों को देखा है सभा में, तो वो दिखाते हैं अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे से सुखी कोई नहीं, पर वो जब सामने आते हैं उनको कहते हैं कि चेयर पे बैठे, कहते नहीं हम तो यहाँ आपके पैरों में बैठेंगे। बहुत तनाव है, बहुत दुखी हैं हम, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, मुझे बीमारी लगती है पर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। अब उनको कैसे कहें कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारा पाप है, जो दूसरों को दुख देकर धन कमाया है ना, वो है तुम्हारी बीमारी। हमें धन कमाना नहीं आता, हमें दुआएं इकट्ठा करना नहीं आता है। आज से कुछ वर्ष पहले हमारे देश में वृद्धाश्रम, हमने बताया ना, नहीं होते थे। आज वृद्धाश्रम का कितना प्रचलन हो गया है ना। मात पिता नेक्स्ट टू गॉड, माता के लिए कहावत कही जाती है। अब कितना सत्य है कितना सत्य मुझे नहीं मालूम, वो तो भगवान जी को पता होगा, लेकिन हमने सुना है बचपन से ये बात सुनते आए हैं कि भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो सोचा मैंने ये संसार तो बना दिया, परंतु हरेक के पास जाकर के उनकी देखभाल मैं कैसे करूँगा, इतना बड़ा संसार। तो उन्होंने अपना एक इमेज क्रिएट किया, उसका नाम दिया माँ, और उसने हर घर में एक माँ रख दिया कि ये मेरी प्रतिमूर्ति है, ये तुम्हारी देखभाल करेगी। वही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं हम उनको टाइम नहीं देते हैं, उनकी दुआएं हम इकट्ठा नहीं करते हैं। जीवन तो दुआओं से चलता है ना, जीवन धन से नहीं चलता है, जीवन दुआओं से चलता है। दुआएं समय पर काम आती हैं। मनी कैन नॉट क्रिएट मिरेकल्स, बट ब्लेसिंग्स कैन क्रिएट मिरेकल्स। एक व्यक्ति को 20 साल की उम्र में एक ऐसा रोग हो गया, डॉक्टर्स ने बोल दिया अब तुम बचोगे नहीं, अधिक से अधिक 5 साल तुम्हारा जाना निश्चित है। उसने सोचा 5 साल के बाद तो मैं चला जाऊंगा ना, इतना धन पड़ा है मेरे पास, क्या करूंगा इस धन का। उसने उसको दान करना शुरू किया, आसपास में जितने गरीब लोग थे उनको देना शुरू किया, उससे दूसरों को सुख देना शुरू किया, मंदिरों में देना शुरू किया। उसने लगभग लगभग अपनी सारी प्रॉपर्टी दूसरों पर खर्च कर दी। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा, डॉक्टर के पास गया, कहता है भाई तुम्हारी तो बीमारी ठीक हो गई। ये रियल घटना है, ये कोई स्टोरी मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। वो व्यक्ति 80 साल तक जिंदा रहा, अभी अभी शरीर छोड़ा है वो, 80 साल तक।
मनी कैन नॉट क्रिएट मिरेकल्स बट ब्लेसिंग्स कैन क्रिएट मिरेकल्स इन लाइफ, करते ही रहते हैं ब्लेसिंग्स हमारे जीवन यात्रा को सरल बनाते हैं, सहज बनाते हैं, हमारे रास्ते में जो भी कांटे हैं ना उसको निकालते जाते हैं, समय पर काम आते हैं। आज हम वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान के महावाक्य हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो गरीब हैं उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। धन बटोरने के चक्कर में हम ये भूल गए हैं कि हमें अपने बड़ों की दुआएं भी लेनी है। कभी मन में ये ख्याल नहीं आता कि बुज़ुर्ग माँ बाप कभी उनकी उंगली पकड़ करके हम उन्हें टहलाने ले जाएं, कभी उनको पिकनिक पर ले जाएं, कभी किसी मंदिर में ले जाएं, जब वो सो रहे हों तो हम उनके पैरों को थोड़ा दबाएं। चार बच्चे हैं, दिन रात उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको घुमाने ले जाएंगे, पर जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उनको हम समय नहीं देते हैं, उनको एक किनारे में रख देते हैं। कहते हैं आपको सारा साधन देंगे, धन देंगे, पड़े रहो एक तरफ, टाइम नहीं है हमारे पास। तन को आप कितना भी साधन दे लीजिए लेकिन यदि मन को सुख नहीं दिया तो दुआएं नहीं मिलती हैं। मन को सुख दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी सेवा करें, उनका हाल चाल पूछें, उनको घुमाएं फिराएं, शारीरिक सेवा करें उनकी। धन के बिना भी आपका जीवन खुशी खुशी गुजर जाएगा। यही तो अध्यात्म हमें सिखाता है ना, यही मैनुअल ऑफ लाइफ है। हमारे देश में पहले गुरुकुल हुआ करते थे, हम और हमारे बच्चे गुरुकुलों में जाया करते थे पढ़ने के लिए, और वहां पर जब हम जाते थे तो केवल हमें एकेडमिक नॉलेज नहीं दी जाती थी, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ जीवन जीने का तरीका भी सिखाया जाता था। जीवन कैसे जीना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, समाज में कैसे रहना है, धन कैसे कमाना है, परिवार को समेट कर कैसे रखना है, आज वो नहीं सिखाया जाता ना। स्कूल कॉलेज तो आज भी है, गुरुकुल समाप्त हो गए, उसके जगह पर बड़े हाईफाई एडवांस स्कूल्स और कॉलेजेस आ गए। अब वहाँ पे क्या सिखाते हैं, डॉक्टर कैसे बनना है, बड़े से बड़ा इंजीनियर कैसे बनना है, बड़े से बड़ा उद्योगपति कैसे बनना है। हम अपने अपने फील्ड के मास्टर्स बन जाते हैं परंतु जीवन के मास्टर नहीं बन पाते हैं, और जब इंसान जीवन का मास्टर नहीं बन पाता है जीवन में खालीपन रह जाता है, जिस खालीपन को संसार की कोई भी वस्तु भर नहीं पाती है। यही आज हो रहा है हम सबके साथ। हम लोग संसार को मैनेज करते हैं, हम लोग करोड़ों का धन मैनेज कर लेते हैं, परंतु अपने लाइफ को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही परिवार को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो केवल डॉक्टर बनने का ज्ञान है, इंजीनियर बनने का ज्ञान है, बेहतर इंसान बनने का ज्ञान तो हमें आज तक किसी ने दिया ही नहीं। जो हमारे गुरुकुलों में मिलता था, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आज, क्योंकि गुरुकुल अब दो भाग में टूट गया ना, एकेडमिक नॉलेज एक जगह मिल रही है, आध्यात्मिक नॉलेज एक जगह मिल रही है, पहले दोनों एक साथ मिलता था, अब दो भाग हो गया। हमारी रुचि हो गई एकेडमिक नॉलेज में अधिक, स्पिरिचुअल नॉलेज में कम, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है हमारे लाइफ में, एक गैप क्रिएट हो गया है हमारे लाइन में, उसको भरना पड़ेगा। ये सो आगे जो समय आ रहा है जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी अब हमारी जरूरत नहीं है,
हमारी मजबूरी बनती जा रही है, करना ही पड़ेगा। अब तो डॉक्टर्स भी कहने लग गए हैं हमारे पास ना तो तनाव की कोई दवा है ना डिप्रेशन की दवा है, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करो अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ लाखों लोग बिना दवा के ठीक हो जाते हैं, दो दिन में, तीन दिन, तीसरे दिन से उनकी दवाई छूट जाती है। आज ही पता नहीं कोई सुना रहा था, मैं भूल गया, क्लास में कोई तो सुना रहा था सुबह के सेशन में, 25 साल पहले वो इस संस्था में आए थे, बोला आए थे तो हम बिना नींद की दवा के सोते नहीं थे, आए उसी दिन से वो नींद की दवा खानी बंद कर दी। स्पिरिचुअलिटी में इतनी ताकत है, सारा संसार एक तरफ, स्पिरिचुअलिटी एक तरफ, ये हमें जीवन जीना सिखाता है, ये हमारे लाइफ का मैनुअल है, ये हमें बताता है कैसे जीवन को जीना है, परिवार में कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना है। अगर हमारे पास आध्यात्मिक बल है, हमारा परिवार कभी नहीं बिखरेगा, हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे, हमारा कहना मानेंगे, कभी मार्ग नहीं भटकेंगे, हमारे आसपास के लोग भी हमारा कहना मानेंगे, हमें अच्छी दृष्टि से देखेंगे, कभी भी हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि आप रोज रोज थोड़ा मेडिटेशन करें जरूर। हम आपको ये कतई नहीं कहते कि आप योगी बन जाइए, हमारी तरह सफ़ेद कपड़े पहन लीजिए, घर बार को छोड़ दीजिए। भाई कोई भी संस्था चलानी हो तो कुछ तो डेडिकेटेड लोग चाहिए ना, वो हम हैं। हम आपको नहीं कहते आप भी डेडिकेट हो जाइए, कहीं आप डर के भाग ही ना जाएं, ये तो ब्रह्मा कुमारी वाले हमको भी समर्पित ही करा देंगे पता नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। हम किसी को नहीं कहते आप योगी बन जाओ, घर गृहस्थ में रहते सुबह शाम थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करें फिर देखें, बताने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी लॉजिक किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी कि राजयोग से फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, असर करता है कि नहीं करता है। आप मेडिटेशन करें विद इन ए वीक, आप महसूस करेंगे आपके जीवन का टेस्ट बदल रहा है। संसार तो यही है, अब अच्छा लगने लगा है, हमारे आसपास के लोग भी वही हैं, बदले नहीं हैं, पहले अच्छे नहीं लगते थे अब वो भी अच्छे लगने लगे हैं। मेरा अपना परिवार जहाँ जाने का मन नहीं करता था, जाने से परिवार में स्ट्रेस होता था, अब वो परिवार सुंदर लगने लगा है। पहले धन के प्रति बहुत आकर्षण था, अब नहीं है, दूसरों को दुख देकर धन कमाने का मन नहीं करता है। करके देखें, स्पिरिचुअलिटी मन का भोजन है, हमारे तन को भी भोजन की ज़रूरत है तो मन को भी भोजन की ज़रूरत है। तन को हम रोज भोजन देते हैं ना, मन को देते हैं, याद भी नहीं होगा ना कितना समय हो गया हमको इस मन को कुछ भोजन खिलाए। आज से 40-50 साल पहले कंपल्सरी था, घर में उठते ही माता पिता हमें सिखाते थे पहले नहाओ, उठते ही पहले अपने बड़ों का पैर छुओ। मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मुझे नहीं पता इधर का कल्चर क्या है, पर कल्चर तो हमारे देश में सब जगह एक जैसा होता है क्योंकि हमारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं ना। पहले बड़ों का पैर छुओ, फिर नहाओ, फिर भगवान की पूजा करो। तब तक तो चाय भी नहीं मिलती थी, चाय भी नहीं मिलती थी। सोने से पहले हर घर में एक मंदिर होता है ना, साउथ में तो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं ना, हर घर में एक मंदिर होता है, जाओ पहले भगवान के आगे माथा टेको फिर सो जाओ। जब हम लोग सोने लगते थे भोजन वोजन करके, तो भोजन वोजन करने के बाद, वाइंड अप करने के बाद माता जी को थोड़ा टाइम लगता है ना, बर्तन माजो, किचन सफाई करो, एक घंटा और लग जाता है। हम क्या करें, एक घंटा
क्योंकि सोना तो माता जी के साथ ही है, उनके बिना नींद तो आएगी नहीं। तो माता जी क्या कहती थी, देखो दादाजी सोए हैं, जाओ उनका पैर दबाओ। दादी सो रही हैं, जाओ दादी का पैर दबाओ। घर में नाना नानी आते थे, बैठ के सब बात करते थे, हम भी छोटे थे सुनते थे उनकी बातें। माता पिता सिखाते थे, नाना जी के पैर दबाओ, नानी जी के पैर दबाओ। कितनी दुआएं मिलती थी ना हम सबको। ये सब मन का भोजन था जो हमारे मन को एनरिच भी करता था, इनलाइटन भी करता था। हम अपने बच्चों को आज क्या सिखा रहे हैं? हम अपने बच्चों को एक ही लक्ष्य दे रहे हैं, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, एक्सटर्नली आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ। हम उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, परंतु एक अच्छा इंसान भी बनना है वो हम सिखाना भूल जाते हैं। जहाँ से मन को खुराक मिल रही है वो सिखाना हम भूल जाते हैं। हमको सिखाना चाहिए। जिस तरह से ये शरीर भोजन के बिना नहीं चल सकता, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, और जब शरीर कमजोर होता है तो बीमार पड़ने लगता है ना, मन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और जब कमजोर होता है तो बीमार पड़ने लगता है। और मन की बीमारी क्या है? मानसिक रोग, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ मेमोरी, ये जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ड्यू टू लैक ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, और कुछ नहीं है। मन को केवल शक्ति प्रदान कर दिया जाए मेडिटेशन से, ये सारी बीमारियां एक साथ ठीक होती हैं। मेमोरी और कंसंट्रेशन की कितनी प्रॉब्लम है ना बच्चों में आजकल, याद नहीं रहता है। हम लोग भी आए जब इस ज्ञान मार्ग में, हमें भी नहीं रहता था, पर जैसे मेडिटेशन किया लगातार टॉप करते गए अपने कॉलेज में, स्कूल्स में। ये मेरा अनुभव नहीं, हजारों लाखों बच्चों का है। मन को भोजन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और मन की बीमारी का इस संसार में किसी के पास इलाज नहीं है, केवल अध्यात्म के पास ही उसका इलाज है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन मन तक नहीं पहुंचती है ना। मन से जो बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है, लेकिन मन का इलाज है कोई डॉक्टर आपके पास जो स्ट्रेस और डिप्रेशन की दवा दे दे? नहीं है ना। पूरा करें बेन पूरा। तो इसलिए हमको अब अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय निकाल कर मेडिटेशन जरूर करना है। अब ज़्यादा मत करिए, सोने से कम 15 मिनट, और जैसे ही आँख खुलती है 15 मिनट, आधा घंटा आप दिनचर्या में तो दे सकते हैं ना, करके देखें। जीवन बदलता हुआ नजर आएगा, परिवार का माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। ब्रह्मा कुमारीज की जो टीचिंग्स हैं, इसके दो ही मुख्य चैप्टर हैं, दो ही मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, एक ज्ञान और एक योग। मेडिटेशन हम उसे योग कहते हैं, मन का योग। ज्ञान हमें जीवन जीने की समझ देता है, और योग उस समझ को जीवन में धारण करने की शक्ति देता है। एकदम सिंपल रीति, इसको आप समझिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ज्ञान जीवन जीने की समझ देता है, जीवन जीना कैसे है, और योग उस समझ को जीवन में उतारने का बल देता है। आज समझ की कोई कमी नहीं है इंसान के पास। दुआओं का महत्व भी हमको पता है, बड़ों की सेवा करनी चाहिए ये भी हमको पता है, किसी को दुख देके धन नहीं कमाना ये भी हमको पता है ना, किसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना ये भी हमको पता है। कुछ नया बताया हमने आपको?
पता है ना ये सब आपको, परंतु जीवन में क्यों नहीं उतर रहा है? स्ट्रेंथ नहीं है उसको धारण करने का। आज मोटिवेशनल स्पीकर्स कितने हो गए हैं, अच्छे अच्छे कोट्स आपके मोबाइल पर रोज आते हैं, सुनते भी हैं सुनाते भी हैं, जीवन में वो धारण नहीं हो पा रहा है। एक चेयर रखवा दीजिए श्रीकांत भाई जी के लिए। क्यों? क्योंकि अच्छी बात को धारण करने के लिए भी बल की ज़रूरत होती है। आपका पेट बहुत कमज़ोर है, आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, पनीर की सब्जी खा लीजिए, हजम होगा वो। ड्राई फ्रूट्स में तो बहुत ताकत है ना, पनीर में भी बहुत ताकत है, परंतु वो असर तब करेगा ना जब वो हजम ही नहीं होगा। हजम ही नहीं हो रहा फिर क्या काम करेगा? अच्छी, आज के इस कलयुगी माहौल में अच्छी बातों को धारण करना सहज नहीं है, उसके लिए इनर स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। इसलिए केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, मेडिटेशन चाहिए, उसको इनकल्केट करने के लिए, इम्बाइब करने के लिए उसकी बहुत आवश्यकता है। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब यूं ही आते रहें, अच्छी बातें सुनते रहें, परंतु सुनने के साथ साथ जीवन में उसको उतारना भी है। और उसका एक ही सिंपल सा टूल है, रोज थोड़ा योग जरूर करें। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई जी फॉर टेकिंग अस टू द बेसिक्स ऑफ मैनुअल ऑफ लाइफ। नाउ आई विल इनवाइट श्रीकांत भाई जी फॉर पुटिंग ऑन सम मोर डिटेल्स ऑन द डिटेल्ड फीचर्स ऑफ द मैनुअल। सो लेट्स वेलकम श्रीकांत भाई जी। National Coordinator of Spiritual Application Research Center called SparkWing of Brahma Kumaris. He is a Principal Coordinator of Collaborative Research on Rajyoga Meditation, and he is also leading various projects with different organizations on effect of Rajyoga on different well-beings like Jindal Hospital, Nimhans, Bangalore, ISC Bangalore, DRDO, Giga Consciousness Research Group Belgium, ISC New Delhi, AIMS Patna, etc. etc. So over to Bhaiji. Thank you. एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, बहन जी ने श्रीकांत भाई जी को बुलाया है। श्रीकांत भाई जी एक लंबे समय के योगी हैं, बचपन से ही इस संस्था में समर्पित हैं, एक्सपेरिमेंटल मेडिटेशन कराने का, योग की गहराई में ले जाने का आपको एक लंबा अनुभव है। बहन ने तो कराया है कि इस विषय पर, बहन ने बताया इस विषय पर थोड़ा आगे बताएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये मेडिटेशन जो हमने अभी चर्चा की है, थोड़ा सा इसकी आप अनुभूति भी हमें लास्ट में ज़रूर कराएं। जो मेडिटेशन हमें घर में करना है, आज थोड़ा सा आप लोग यहाँ से करके भी ज़रूर जाएंगे, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो हमारा श्रीकांत भाई जी से अनुरोध रहेगा लास्ट में 10 मिनट आप इसको ज़रूर हम सबको एक्सपीरियंस कराएंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। यू आर लिसनिंग आई थिंक मोर देन 1 आवर। सो कैन वी just have a peace of mind for a minute। So आप spine straight करके बैठ जाइए। Just I'll give you simple thought। This is really the part of our life। हम सभी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, सो एवरीथिंग स्टार्ट विथ थॉट। सो फॉर 1 मिनट जस्ट विल ऑब्जर्व योर
inhale and exhale process with this beautiful thought, I am a peaceful being. Whether you understand this or not, still create this thought with rhythm of your inhale and exhale process. I am a peaceful being. संजय भाई, आप सबको द मैनुअल लाइफ काफ़ी डिटेल में बताया है। मैं उसमें दो तीन बात लाइक ए वैल्यू ऐड, जो सुना आप उसको कैसे करेंगे। कुछ हमने रिसर्च किया है विद हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड निमहांस सम यूनिवर्सिटी, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे विद सम एग्जांपल्स। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट मिलकर रिसर्च किया है। द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंडियन कल्चर एंड इंडियन लाइफस्टाइल। हमारी जीवन शैली में एक बात जो आज को 25 साल पहले अभी भी हैं, ऐसा नहीं भारत में नहीं है, जॉइंट फैमिली, सब मिल करके रहते थे, आपस में जो भी बातें शेयर करते थे। तो इसको लेकर के एक रिसर्च हुआ है, इंसान की जीवन में किस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें काफ़ी लोगों के बीच में सर्वे किया गया और सर्वे में ही फाइंडिंग सब के तरफ से एक ही टाइप के आंसर आया, बट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सबको जीवन में प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद भी चाहिए, सब कहते लेकिन करे कैसे।
तो एक आपको पता है दुनिया में अगर कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है जिसकी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं हो तो वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कैसे कैसे काम करेंगे। तो करीब 5000 लोगों के ऊपर उन्होंने स्टडी किया और मोर देन 10 ईयर्स, क्योंकि काफ़ी जो स्टडीज़ होते हैं प्रिसाइजली किया जाता है। तो इसमें ये रिजल्ट देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति खुश है दिल से, कोई भी चीज़ जैसे आपको कोई चीज़ मिल गया बहुत खुश हो, और हम कहते हैं कि व्यक्ति जो खुश होते हैं स्वार्थी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप खुश हो तो आपकी खुशी से जो वाइब्रेशन निकलता है और वो वाइब्रेशन सबसे पहले उस व्यक्ति को पहुंचता है। स्टडी यही कहता है कि अगर आप चाहे खुश हो या नहीं हो, एक पीसफुल टाइम में जहाँ पे आवाज़ ना हो और आप बैठ करके अपने लिए एक थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं पीसफुल सोल, मैं पीसफुल बीइंग या हैप्पी सोल हैप्पी बीइंग, तो इसको रिपीटेडली क्रिएट करते हैं तो इट हैज़ एन इम्पैक्ट। तो स्टडी कहता है कि अगर आप खुश हैं तो आपकी एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसको अगर रेडियस उसको मेजर किया जाए 1.5 किलोमीटर एरिया में, अगर आपकी कोई नियर एंड डियर व्यक्ति हैं और वो किसी भी कारण से दुखी हैं तो आपकी खुशी होने से उस व्यक्ति की खुशी होने की परसेंटेज बढ़ जाता है बिना कुछ एफर्ट किए, वो व्यक्ति 30%। और ये कोई कम रिजल्ट नहीं है। कभी कभी आपको फील हुआ होगा आप ऐसे बैठे अचानक बहुत अच्छा लग रहा है, अचानक बहुत अच्छा लगता है, फिर ऐसे बैठे हैं सडनली आपको एक डिसहार्टनेस अनकम्फर्ट फील होता है, क्यों होता है? स्टडी ये कहता है कि शायद आपके आसपास में आपकी कोई ऐसे नियर डियर व्यक्ति हैं जो दुखी हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो सुखी है, हम उसको कैसे मेजर करें? और किसी को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, भी मुझे खुश रहना है। और ये बात यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है ना, कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है। अगर आप हेड टू हेड कन्वर्सेशन करेंगे वहाँ पे टकराव होता है, फाइटिंग होगी, और कन्वर्सेशन हार्ट टू हार्ट हैं तो वहाँ पर सल्यूशन बेस्ड आंसर मिलेंगे आपको, कोई एक झुकेगा। अगर दोनों अकड़ के रहेंगे तो नहीं होगा, किसी को झुकना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी में ही सिखा जाता है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, मैंने काफ़ी इंटरव्यू देखा है, हमारे भारत में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट क्रिएट हुए हैं, अगर मैं आपको पूछूं जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसकी प्रेरक कौन है, हु वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, आपको पता है? स्वामी विवेकानंद। और उनकी लाइफ में एक सुंदर घटना है, जब रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका जो भी शिक्षा लेने की प्रोसेस था पूरा हो जाता है तो वो काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या, जैसे गीता की बात हम सुनते हैं कृष्ण अर्जुन संवाद में, लास्ट में कहते हैं सब तो अच्छा है लेकिन करूँ क्या मैं, और कहता है कि तू कुछ मत कर, मेरे शरण में आ जा, सब कुछ भूल जा, जब कुछ कर तो मुझे सोच, मेरे बारे में फिर कर्म कर। तो जब वो रामकृष्ण परमहंस से छुट्टी लेते हैं, कहते हैं आपने इतनी सारी बातें सिखा दी, मैं शुरुआत कहाँ से करूं? और बंगाली भाषा में इसके बहुत सुंदर कोटेशन सबको पता है इसके बारे कि वो उसको एक बरगद की पेड़ के पास, वैनियन ट्री के पास ले जाते हैं और वहाँ उनको बिठाते हैं और उसको दिखाते हैं कि इससे सीख। बरगद के पेड़ को दिखाए कि इसमें कई प्रकार की पंछी अपने घोंसले बनाए हैं, कोई अपना गंदे कर लेते हैं और कोई
जो राही जाते हैं वहाँ बैठ जाते हैं और जाते समय उसकी लकड़ी तोड़ के ले जाते हैं। बरगद की पेड़ के साथ जो कुछ भी हो रहा है और एक एग्जिस्टेंस के नाते कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर हम एक इंसान के नाते देखें, कहीं अगर बरगद के पेड़ को वो कॉन्शियसनेस होता कि कैसे उसको भगाए, वो शायद पंछियों को अपने ऊपर बैठने नहीं देता। इंसान की अपनी सोच है, तो वे सिखाते हैं उनको कि जैसे बरगद के पेड़ में कई प्रकार के पंछी आ रहे हैं, जा रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं, उसको गंदा भी कर रहे हैं, और जो भी राही आते हैं वहाँ आराम करते हैं। इसमें एक चीज़ सीखने को मिलता है कि बरगद की पेड़ दे रहा है जो उसके पास है। उसके फल कोई नहीं खा सकता है, लेकिन उसकी जो सुंदर साया है, वो छाँव के नीचे व्यक्ति बैठ जाए तो उसको आराम मिलता है। और उसके पेड़ पौधे इतने घना है कि पंछी अपने घोंसला भी सेफली बना सकते हैं। तो उसको ही शिक्षा देते हैं कि आप जाओ, सबको दो, देना सीखो, जो मैंने तुम्हें सिखाया है बांटो। तो वैसे अगर हम अपने लाइफ को देखें, फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड नॉट टिल दिस एज, हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं कभी कोशिश नहीं किया देने के लिए। आपको ये समय आपके ये प्रश्न भी आ सकते हैं कि दे कैसे, लेने वाले तो हो। अगर आपको वो भी समझ नहीं है, हमारे बड़ों ने एक बहुत सुंदर बात कहा है, सवेरे उठने के बाद क्या करना चाहिए, और इस पर एक रिसर्च हुआ है। एग्जैक्टली किताब का नाम मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक माफ़ करिएगा, किताब का नाम हाउ गॉड चेंज योर ब्रेन, इट्स रिटन बाय डॉक्टर एंड्रू। और उसमें दो लोगों ने काम किया है और मोर देन 1000 लोगों के ऊपर ब्रेन स्कैनिंग किया गया है एक ही कंसेप्ट के ऊपर। चाहे भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, यूर एथिस्ट या फार्म बिलीवर ऑफ गॉड, उसकी कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपको लेटा दिया जाए, आप सोए हो, आपके कान में कोई कहे ईश्वर सत्य है, तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, दो ग्रुप बनाया गया, उसमें एक ग्रुप जो भगवान को मानने वाले थे उस किताब में है, और एक ग्रुप जो भगवान को नहीं मानने वाले थे। और उनको एक इंस्ट्रूमेंट आप सुना है कि FMRI, जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ब्रेन की स्कैनिंग होती है। उनको लिटाने के बाद उनके कान में अलग अलग लैंग्वेज में ईश्वर ट्रूथ है उस शब्द को उच्चारित किया गया, और उसमें जब सुनने के बाद जो व्यक्ति सुन रहा है उसके ब्रेन में कौन सी एरिया फंक्शन हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व किया गया। और इसमें देखा गया कि चाहे एथिस्ट हो या भगवान को मानने वाले हो, हर एक व्यक्ति की एक ही पार्ट फंक्शन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, अगर उनकी सोच में बैठ जाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं वो अपने आप कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। कुछ हो ना हो, हमारे ब्रेन में जो वेव पैटर्न है उसके आपस में एक रिदम बनता है, जिसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। हमारी स्टडी कहता है कि अगर एवरी आवर 1 मिनट, आप 1 मिनट यू मेक अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आप मेडिटेट करें, तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर हो जाएगा। जैसे कभी आप हैप्पी स्टेट में हैं, कभी स्ट्रेसफुल स्टेट में हैं, कभी पीसफुल स्टेट में हैं, कभी एंजाइटी हैं, अगर आपकी लाइफ में एक पार्ट है कि 1 घंटे में 1 मिनट साइलेंट में बैठना है और कुछ अच्छे थॉट क्रिएट करने, फिर मेक इट योर लाइफ, तो जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आएगा, आप उस प्रैक्टिस को जब रेप्लीकेट करेंगे और आपकी ब्रेन अपने आप कोऑर्डिनेट हो जाएगी, तो वो एक पीसफुल स्टेट एंड दैट विल एबल टू अल्टर योर कॉन्शियसनेस। अगर आप एंजाइटी हैं तो आप एक रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और इसमें स्टडी कहता है अगर रोज़ आप 12 मिनट से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं विथ लविंग हार्ट, ज़बरदस्ती नहीं, खुशी से, तो आपके सारे एंजाइटी डिप्रेशन को कोऑर्डिनेट करने की शक्ति तो मिलेगी ही,
इसमें एक हार्मोन्स क्रिएट होगा जिसको एंटी एजिंग हार्मोन्स कहते हैं, जो आजकल स्टडीज हो रहे हैं, व्यक्ति लंबा क्यों जीता है, क्योंकि उसकी टेलोमेर लेंथ में थोड़ा सा वो बड़ा दिखता है। ये सारे स्टडीज़ हैं, कोई मेडिसिन खा के नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति जिसकी लाइफ डिसिप्लिनड है, स्पिरिचुअल है, कुछ ना कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऑटोमेटिक उसी क्रोमोजोम में वो चीज़ स्टोर हो रहा है एपिजेनेटिक सिस्टम में। अभी हम 10 मिनट एक प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए, थोड़ा सा बात हम बता रहे हैं, अगर आप कर सको तो। जब भी रात को सो जाते हैं आप एक डिसिप्लिन बना लीजिए, अच्छा लगे तो करिए ज़रूर। रात को सोने के बाद जब सवेरे उठते हैं आप क्विकली, जैसे उठ कर हम तुरंत बेड से नीचे आ जाते हैं और ज़मीन पर पांव रखते हैं, कल से ऐसे नहीं करना। एक डिसिप्लिन बना लीजिए अपनी लाइफ में, सवेरे उठो 3 से 5 मिनट उसी बेड पर बैठे रहो। कारण क्या है, क्योंकि हम जब सो जाते हैं अगर पीसफुल स्टेट में और बहुत अच्छी नींद होती है तो ब्रेन से ईज निकलती है, इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफ हमारे बॉडी को चार्ज कर देता है। कहते हैं अगर उस चार्ज को हम किसी इन्वर्टर में स्टोर कर लेंगे सो दैट चार्ज इज इक्वल टू 12 वोल्ट बैटरी। आप सोचिए उसमें एक माइक्रोफोन चल सकता है। अगर हम तुरंत उठ जाते हैं, कुछ हम अपने आप को थॉट नहीं देते हैं, तो फिर हम जब, क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल पर इफेक्ट होता है, पता नहीं चलता है, ये भी एक डिसऑर्डर लाइफस्टाइल हमारे जीवन में जो हमें बीमार करता है। हमें पहले कहा गया था बचपन में जब सवेरे उठो, उठते ही आप ग्रैटिट्यूड स्पेल आउट करो। संस्कृत में श्लोक हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। इसका अर्थ क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। हम सबके लिए यही मेडिटेटिव थॉट है। हम इसको करते थे, जो कर रहे हैं उनको मिल रहा है, और इसको स्पेल आउट करने के लिए अगर आप 5 मिनट समय लेते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। मेडिकल स्टडी कहता है कि हमारे ब्रेन में ग्लैंड हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें जो केमिकल सर्जिंग होती है वो रात को 2 बजे शुरू होता है 5 बजे तक, और वो केमिकल जो पूरी तरीके से बॉडी में सर्कुलेट हो जाए तो आपको बीमारी नहीं होगी। राज बीमारी होने के पीछे कारण है कि लेट नाइट सोते हैं और लेट उठते हैं, और केमिकल सिक्रेशन तो हो रहा है लेकिन वो यहाँ से निकल जब गले तक आता है वो पॉइजनस हो जाता है, फिर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखा, जल्दी जब लेट उठते हैं ना, हम काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, फिर हमसे गलती होती है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। लेकिन जस्ट एक पॉज करिए आप सवेरे उठते ही 10 to 15 मिनट्स, अगर नहीं हुए 3 मिनट। हम यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में 3 मिनट की एक ट्रैफिक कंट्रोल गीत बजता है हमेशा, कोई भी काम कर रहा हो सबको साइलेंटली बैठना है, मेडिटेशन करना है। तो सवेरे उठो 3 मिनट। क्या प्रैक्टिस करेंगे अभी हम करेंगे, अभी अगर आप 10 से 12 मिनट कर लेते हैं, इफ यू मेक इट योर लाइफ, तो यू विल सी द इट्स इफेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट यू कैन फाइंड। सभी कमर सीधा करके बैठेंगे, अगर आपको ठीक लगे आप आंखें खोल के बैठिए या तो क्लोज आइज। आप स्वयं को मन और बुद्धि की आंखों से देखें। यहां जब देखने की बात किया जाता है, अर्थात अपने मन में जो थॉट्स चल रहे हैं उसे ऑब्जर्व करें।
15 सेकेंड्स के लिए अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करें। कैसे रिदोमेटिक तरीके से इनहेल एक्सहेल सांसें अंदर आ रही हैं, सांसें बाहर जा रही है। और स्वयं से बात करें, क्या मैं श्वास हूं या श्वास से एक अलग मेरी कोई आइडेंटिटी है। इन द रियल सेंस आई एम नॉट ब्रीथ, आई एम दैट एनर्जी which is using lungs to take breath and breathe in, breathe out. I am not physical body. I am the being part situated in the center of forehead. I am spiritual energy. I am peaceful. I am a loving energy. I thanks to God what I have with me. I am happy getting those things, my relations, my surroundings, my friends, what I have, I am happy. I am thankful to my parents. To give me this beautiful life. I am peaceful being. I am a loveful being. I am a happy being. I believe when I create this thought, it's creating powerful vibration that's spreading around me and making this atmosphere peaceful. Loveful. And happy.
सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हो, सबका भला हो, सभी निरोगी बने, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। थैंक यू वेरी मच भाई जी फॉर टेकिंग अस टू दिस डीप मेडिटेशन एज वेल एज टेलिंग अस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिटेशन राइट। इवन 1 मिनट ऑफ मेडिटेशन एवरी आवर इट कैन डू वंडर्स। So we will be practicing it for next 1 week. Great.